हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आईटी एग्जाम के यूट्यूब चैनल। दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, इससे जो पहले की वीडियो हुई थी मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई जो है 28 और 29 तारीख का जो है फेज लिस्ट जारी कर दिया गया है ना, उसका मैंने आपको बता भी था कि भाई इससे 29 तक का जो फेज लिस्ट था उसकी वीडियो मैंने क्रिएट की थी और आप लोगों को बताया भी था कि भाई इनके एग्जाम हैं और अपने एडमिट कार्ड अपने डाउनलोड कर लो या फिर अपनी आईटीएस कॉन्टैक्ट करके प्राप्त कर लीजिए। तो आपके जो कमेंट आ रहे थे कि सर 5 अक्टूबर तक जो है एग्ज़ाम का शेड्यूल हो चुका है, तो देखो उसके बाद फिर मैंने कुछ छात्रों के एडमिट कार्ड डाउनलोड करके देखे, हालांकि हुए नहीं थे। तो अभी जो अपडेट है भाई, अब जो 30 तारीख से लेकर के 5 अक्टूबर तक जो है ये परीक्षाएं होने वाली हैं, है ना। अब इस परीक्षा में अब तक के सबसे ज़्यादा बच्चे बैठने वाले हैं, जितने भी अब तक के फेज जारी हुए हैं ना, अब तक के सबसे ज़्यादा बच्चों के एग्ज़ाम इस 30 से 5 तारीख के बीच में होने वाले हैं, ठीक है। 30 तारीख से लेकर 5 तारीख तक के। अब देखो, अब आपके कमेंट आएंगे कि क्या सर ये फेज यहीं पर समाप्त हो जाएगा। तो देखो ऐसा तो कंफर्म तो नहीं हो सका है कि कितने बच्चों का, हालांकि इसमें जो है अभी जब लिस्ट में चेक कर रहा था, हालांकि मोबाइल से वर्जन में ओपन नहीं हो रही है ना। जैसे इसको मैं तिकड़म करके टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लेना जैसे भी तसल करके, ठीक है। तो लगभग लगभग देखिए काफ़ी सारे बच्चे जो है इसमें पेपर देने वाले हैं। अब मैंने जी कुछ छात्रों का एडमिट कार्ड डाउनलोड करके देखे हैं, हालांकि एडमिट कार्ड उनके आए नहीं हैं। और आप में से भी काफ़ी सारे स्टूडेंट होंगे, जब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करके देखो या फिर अपने आईटीआई में कॉन्टैक्ट करोगे तो वहाँ से रिस्पॉन्स क्या मिलेगा कि भाई आपके एग्ज़ाम अभी नहीं है, एडमिट कार्ड नहीं है ना। तो वेट करना है क्योंकि 5 तारीख तो अभी दूर है ना। हो सकता है धीरे धीरे जिसका एग्जाम नज़दीक आता जाएगा धीरे धीरे एडमिट कार्ड भी जनरेट होते जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि समाप्त हो जाएंगे, ऐसा कंफर्म तो इन्हें लिखा है कि यहीं पर समाप्त हो जाएंगे। जब तक सभी छात्रों की सभी आईटीआई में परीक्षाएं नहीं हो जाती तब तक तो कोई फेज समाप्त नहीं होने वाला, ऐसे चलता रहेगा सिस्टम, ठीक है। टेंशन मत देना भाई को, भाई परीक्षाएं यहाँ पर सबकी होंगी, ऐसा कुछ नहीं है छूट जाएगा कि भाई किसी की परीक्षाएं हो गई और किसी की छूट गए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पर परीक्षाएं जो है सभी छात्रों की होने वाली है, हालांकि 30 तारीख 5 तारीख इसमें सबसे ज़्यादा बच्चों का जो है एग्जाम होने वाला है छात्रों का, ठीक है। तो अब आपको क्या काम करना है, अपनी आईटीआई से एक बार जरूर कॉन्टैक्ट कीजिए, वहाँ से पता कीजिए कि आपके एडमिट कार्ड आए हैं और आपकी परीक्षाएं कौन सी दिन में होने वाली है इनमें से। भाई 28 तारीख है आपके पास, 29 तारीख है आपके पास, ठीक है। ये 2-3 तारीख तो आपके पास पड़ रही है, ठीक है। 28, 29, 30, 1, 2, 3, 4, 5 है ना, तो इस प्रकार से आपके लिए तारीख पड़ रही है। तो वही इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि अपनी आईटीआई में एक बार जरूर कॉन्टैक्ट कर लेना। हो सकता है एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में आपको कुछ प्रॉब्लम आए, है ना, कुछ एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में आपको कुछ दिक्कत आए, प्रॉब्लम आए, है ना। तो फिर आप उसके चक्कर में बैठे रहो कि इसका मतलब डाउनलोड नहीं हो रहा था, उसका मतलब आपका एग्ज़ाम नहीं है, है ना। तो इस बहकावे मतलब है ना, आपको क्या काम करना है, अपनी आईटीआई से एक बार जरूर संपर्क करना है, ठीक है। उनसे एक बार जरूर कॉन्टैक्ट कीजिए इस मुद्दे पर कि आपका एग्ज़ाम है या फिर नहीं है। बाकी कुछ भी सवाल हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। इसी वजह से मैंने कमेंट जो टेलीग्राम है वहाँ पर कमेंट का ऑप्शन भी मैंने खोल दिया है, क्योंकि आप लोग ज़्यादा परेशान रहते हो, तो उस वजह से मैंने वहाँ पर भी आपके कमेंट आ रहे कि सर टेलीग्राम पे जो है कमेंट ओपन कीजिए, तो मैंने वहाँ पर भी ओपन कर दिया कमेंट का सेक्शन, ठीक है। वहाँ पर भी जो आप पूछना चाहे पूछ सकते हो। इसके साथ साथ मैं आपको कहना चाह रहा हूँ भाई, आपको अपनी आईटीएस जरूर कॉन्टैक्ट बना के रखना है, ऐसा नहीं कि वहाँ से चक्कर में पड़ जाओ, ठीक है, कभी इसी चक्कर में पड़े रहो, है ना। जिस पर जैसे ही और भी अपडेट आती रहेगी मैं आपको बताता रहूँगा, फिक्र मत करना, कुछ भी छोटी से छोटी अपडेट आएगी टेंशन मत लेना, सबको बताता रहूँगा। और सभी जब तक सब छात्रों की परीक्षाएं नहीं होती तब तक कोई खत्म नहीं होने वाला, कभी आप सब डाउट में रहो कि क्या ये सिस्टम अब यहीं पर ख़त्म हो जाएगा 5 तारीख तक, तो ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है, मैं फिर से बता रहा हूँ, ऐसा कहीं पर भी लिखा नहीं है। जैसे ही और भी अपडेट आएगी आपको लोगों को सूचित कर दिया जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए आप बस तैयारी करते रहिए, प्रैक्टिस के लिए डेली आप लोगों को मॉक टेस्ट लगाना है वेबसाइट पर, ठीक है। और क्लासेस आपको जिस भी टॉपिक की चाहिए, जिस भी टॉपिक आपको टेस्ट चाहिए, ऑनलाइन टेस्ट जिस भी उसका चाहिए आपको टॉपिक का, या फिर आपको जिस भी सब्जेक्ट की क्लास चाहिए, तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट करके, ठीक है। क्लास तो देखो संभव नहीं है, लेकिन टेस्ट मैं प्रोवाइड करवा सकता हूँ आपको कोई से भी ट्रेड का, ठीक है। आप कोई से भी ट्रेड बता देना, लेकिन अधिकतर ट्रेड का मैं वहाँ पर टेस्ट डाल रखा हूँ, तो एक बार जरूर जाके अपनी ट्रेड का जरूर टेस्ट लगाइए, ठीक है। डेली मैं टेस्ट डाल रहा हूँ भाई, ठीक है। तो ऐसा मत करना कि टेस्ट ना लगाओ, तो टेस्ट आपको डेली लगाना है, ठीक है। तो चलो फिर आज की वीडियो मुझे यही जानकारी देनी थी, अपनी आईटीआई से मिल लो जा करके, ठीक है, उनसे कॉन्टैक्ट कर लो, आपका एग्ज़ाम हो सकता है इनसी दौरान हो जाए, ठीक है। और नहीं हुआ तो भी मुझे बताना, अगर आपका एडमिट कार्ड आ गया है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि हाँ मेरा इनमें से मेरा 3, 30, 30 मतलब 28 से लेकर 5 में किसी भी डेट में आपका एग्ज़ाम है,
एडमिट कार्ड डाउनलोड हो चुका है तो कमेंट करके जरूर बताना, नहीं हो रहा है तो भी आपको बताना है मुझे कमेंट करके कि भाई मेरा एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है। उसके बाद अपना रोल नंबर सेंड करना, उसके बाद मैं कोशिश करके देखूंगा। अगर रोल नंबर सेंड करोगे फिर बहुत सारी डिटेल आपको सेंड करनी पड़ेगी, फिर दिक्कत हो जाती ना ऐसे किसी की डिटेल लेने में, तो ऐसा तो फिर सही नहीं रहेगा क्योंकि कमेंट अभी सब लोग देख लेते हैं और नंबर वगैरह सब कुछ है ना, तो वो सही नहीं रहेगा तरीका। चलो एक बार अपनी आईटीआई जरूर कॉन्टैक्ट करना, ठीक है, लेकिन कमेंट करके बता देना कि एडमिट कार्ड आया है या फिर नहीं आया है, ठीक है, जरूर बताना मुझे कमेंट करके। उसके बाद फिर मैं वीडियो ला करके या फिर कुछ भी कमेंट सेक्शन में आपको जरूर रिप्लाई दूंगा, ठीक है। तो चलो इसके साथ साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। और डाउनलोड कहाँ से करना है आपको, ये फेज जो 30 से 5 तक का है, भाई 29 तक का तो मैंने टेलीग्राम पे डाल ही दिया है, रही बात 30 से 5 तक की डाउनलोड करने की फेज, तो ये है थोड़ा सा बड़ा फेज है ना, मैंने बताया ना कि काफ़ी सारे छात्रों का एग्जाम लिया जा रहा है अगली बार, तो ये थोड़ा सा लंबा चौड़ा फेज है। तो मैं ट्राई करूँगा अगर मोबाइल वर्जन में ओपन हो गया तो मैं वहाँ पर डालूंगा, क्योंकि आप सबके पास कोई होगा इसके पास लैपटॉप होगा नहीं, सबके पास मोबाइल ही है यहाँ पर, है ना, मैं जानता हूँ। और फिर जब ओपन ही नहीं होगा मोबाइल में फिर फ़ायदा क्या है ना, तो मैं कोशिश करूँगा टेलीग्राम पर डालने अगर मोबाइल में ओपन हुआ, ठीक है, क्योंकि XML फाइल में होता है ना, मोबाइल में ओपन होना थोड़ा सा दिक्कत करता है। अगर वो PDF फॉर्म में बनकर वहाँ पर डल गया तो मैं डाल दूंगा, नहीं तो फिर आप अपनी ITC से एक बार जरूर मिल लेना, और कोई भी सवाल हो मुझे कमेंट कर देना। चलो फिर आज की वीडियो को मैं यही समाप्त करता हूँ, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।